आपके पास आईक्यू इलेवन है ट्वेल्व है या फिर कोई और फोन है तो उसके अंदर ऐप आइकन स्टाइल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो करने के लिए सिंपली आपको होम स्क्रीन पर टाइप करके होल्ड करना है यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आ जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे आपको जाना है तो यहाँ पर आपको दिख जाता है कॉर्नर और राउंड तो ये राउंड वाला इधर होता है आपको कॉर्नर वाले पे जाना तो यहाँ पर आपका कॉर्नर हो जाता है बाकी यहाँ से आपको जो साइज रखना है आप अपने हिसाब से कर लेंगे मैं लॉर्ज पे रखता हूँ तो इससे क्या होता है कि काफ़ी बड़ा शौक होता है जिसकी वजह से आप कहीं भी बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हैं तो यहाँ से कर लेंगे बाकी आपको बाई डिफ़ॉल्ट जैसे कंपनी के थ्रू मिलता वैसा करना है तो यहाँ पर रिस्टोर के ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो वापस से वैसा हो जाता है ये तो रही बात आपके साइज़ और इसके सेप की अब मानो चलो आपको इसका कलर चेंज करना है आइकन का सिर्फ तो उस कंडीशन में आपको टैप करके होल्ड करना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कलर एंड स्टाइल इस पर आपको जाना है ये दिख रहा होगा सिस्टम एंड ऐप यू आई कलर इसको आपको इनेबल कर देना है इनेबल करने के बाद नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है अप्लाई कलर टू तो आइकन इसको आपको इनेबल कर देना होता है अब जो आपका यू आई कलर होगा बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता कलर आपका आइकन का हो जाता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ठीक है ये तो ही बात आपके कलर की अब मान चलो आपको स्टाइल चेंज करना है तो उस कंडीशन में आप जाएंगे थीम पे थीम पे जाना है यहाँ पे आपने जो भी डाउनलोड कर रखा होगा थीम यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोकल थीम इस पर शो कर जाता है बाकी मान चलो अगर आपको डाउनलोड करना है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और थीम वाले ऑप्शन पे टाइप कर देना अब यहाँ से जो भी आपको थीम डाउनलोड करना है यहाँ पे कर लेंगे वरना यहाँ पे पैसे वाले होते हैं तो आपको फ्री वाला नाम से ऐसे सर्च कर लेना है तो जो भी फ्री होंगे आपके थीम यहाँ पे आपका शो कर जाएगा अब यहाँ से आपको जो भी डाउनलोड करना है आप डायरेक्टली कर लेंगे जो वा फ्री वाला होगा ठीक है तो ये जैसे कि ये फ्री वाला है तो इस पर मैंने किया टैप तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा और अप्लाई कर देना होता है बट डाउनलोड करने से पहले आपको याद रहना चाहिए कि आप जब भी डाउनलोड कर रहे हो तो आपके फ़ोन में नेट कनेक्टेड होना जरूरी होता है वापस से जाएंगे सेटिंग पे यहाँ पर आपको देख जाता है लोकल थीम अब किसी भी थीम पे एक पे ऐसे टैप कर लेना है और आपको अप्लाई कर देना है अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी आइकन की स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे कुछ इस तरह से अब आप, आपको जो वॉलपेपर लगाना है जस्ट लाइक अगर आपको खुद की फ़ोटो लगानी है तो यहाँ पर आपको लगा लेना होता है जैसे कि यहाँ पर जाएंगे जैसे कि मेरी खुद की फोटो है तो मैंने ऐसे सेट कर लिया ठीक है ऐसे करने के बाद ऐसे कर देंगे तो यहाँ से आपका सेट हो जाता है तो यहाँ पर आपका आइकन का स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा मान चलो अब चेंज होने के बाद आपको चाहिए वापस से दोबारा जैसे कंपनी के थ्रू आता है वैसा करना है तो उस कंडीशन में वापस से थीम पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टैप कर लेना होता है बैक करेंगे ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको जाना है और इसको आपको अप्लाई कर देना होता है ठीक है अप्लाई जैसे ही करेंगे आपका जैसा बिल्कुल था नॉर्मल वैसा आपका थीम हो जाएगा आइकन के स्टाइल तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट सेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय